हट के बारे में आप देख सकते हो। इस प्लांट को साइंटिफिक नेम है, ये है प्लेक्ट्रेंथस प्रोस्ट्रेटस, और ये एक सर्कुलेंट क्रीपर है और बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट है। आप थोड़ा सा इसको टच करोगे तो ये टूट जाता है। और इसके लीफ आप देख सकते हो, बिल्कुल ही सर्कुलेंट लीफ है और ये बहुत इजी टू ग्रो है। बट हाँ, इसकी जो मेन थिंग है मुझे जो लगा वो है सनलाइट, प्रॉपर सनलाइट। अगर इसको प्रॉपर सनलाइट दो तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। बट अगर आप इसको मतलब ईस्ट फेसिंग में रख दें, तो ईस्ट फेसिंग बैल्कनी में रख दो या नॉर्थ फेसिंग बैल्कनी में रख दो, तो फिर ये इतना अच्छा ग्रो नहीं करेगा जो मेरे साथ हुआ। मेरा ये ईस्ट फेसिंग बैल्कनी है, आप देख सकते हो सामने इतने सारे प्लांट्स है, ना कोकोनट प्लांट है, कंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पे ना ज़्यादा सनलाइट नहीं आती है। मे बी मॉर्निंग के 1 आवर, बाकी वही डिफ्यूज्ड सनलाइट है, बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मेरा ये अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा था। मैंने इसको इस साइड में रखा था, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने रखा था, तो ये अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने ना एक छोटा मतलब ये धीरे धीरे इसके लीफ शेड कर रहा था या इसकी ग्रोथ नहीं हो रहा था, बिल्कुल ड्राई हो रहा था, तो फिर मैंने थोड़ा सा ऐसे एक पिंच कट, ऐसे ही थोड़ा सा 4-5 इंच इसको ऐसे कट करके डायरेक्ट सॉइल में लगा दिया था। और फिर मैंने साउथ फेसिंग बैल्कनी में रख दिया था, और उसमें इसका जो ग्रोथ मिला मुझे, आप ये वाला आप देख सकते हो, उससे ये वाला ग्रोथ मिला मुझे, इससे इतना अच्छा ये ग्रो करने लगा। मतलब इससे मुझे समझ आ गया कि इससे सिर्फ सनलाइट की जो इंटेंसिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली ना सकुलेंट जो है, आप देखना उसको अगर प्रॉपर सनलाइट, उसको जैसे सनलाइट चाहिए, मीन्स अगर इनडायरेक्ट स्ट्रॉन्ग सनलाइट चाहिए इसको, तो इससे ये इतना अच्छा ग्रो कर रहा है। ये वाला आप देख सकते हो, छोटे छोटे तोड़ के मैंने ऐसे छोटे छोटे ब्रांचेस को तोड़ के छोटे छोटे पॉट में लगा लिए थे, बिल्कुल छोटे छोटे पॉट में लगाया था, पर उसमें इतना बड़ा हो रहा था, तो फिर मैंने इसको एक बड़े से ये बड़ा वाला पॉट में इसको लगा दिया, तो ये अभी इतना अच्छा ग्रो कर रहा है। देखो कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। मेरे पहले ये बिल्कुल ही मतलब ड्राई हो रहा था, मर रहा था, तो फिर मैंने इसको जब ट्रांसप्लांट करके ऐसे रखा तो इसका ग्रोथ इतना अच्छा हो गया। तो सनलाइट मेरे हिसाब से कोई भी सकुलेंट के लिए सबसे बड़ा, सबसे जो मेरे जेड के साथ भी हुआ, 2-3 बार मैंने जेड को ऐसे ही, मेरा जेड मर रहा था, सारे बोलते हैं हो जाता है, आप ईस्ट फेसिंग बैल्कनी बहुत अच्छा, मे भी मेरे ईस्ट फेसिंग बैल्कनी इतने ज़्यादा कवर्ड हो चुका है प्लांट से या कंस्ट्रक्शन से, मे भी इसीलिए उसको इतना अच्छे से वो ग्रो नहीं कर। सकुलेंट ग्रो करते करते मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है, मुझे लगता है मेन फैक्टर फॉर ग्रोइंग सकुलेंट इज सनलाइट, द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। तो आप जितना इसको अप्रोप्रिएट सनलाइट दोगे उतना अच्छा ग्रो करेगा। सॉइल जो सकुलेंट के लिए बेसिकली होना चाहिए सैंडी पोरस सॉइल होना चाहिए, बट मैं इसको बैल्कनी में हैंगिंग कंडीशन में रखती हूँ तो इतना वेट नहीं दे सकती, तो मैं कोकोपीट भी इसमें रखा हुआ है। बिल्कुल ही जब ये सॉइल ड्राई हो जाता है, मैंने कंपोस्ट दिया है, सैंड दिया है, परलाइट है, आप परलाइट भी देख सकते हो और कोकोपीट भी है, और जब बिल्कुल ही ड्राई हो जाएगा तभी मैं इसको दोबारा वाटरिंग करूँगी, उससे पहले नहीं। इसको मॉइस्ट सॉइल पसंद है बट सॉगी सॉइल नहीं पसंद है मोस्टली, जैसे सकुलेंट को होता है। और इसको मैं वीकली एक बार इसमें मिस्टिंग कर देती हूँ, कोई पेस्ट के अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं देखा मैंने, और मिस्टिंग करने से नीम ऑयल के जो मिस्टिंग मैं सारे प्लांट में करती हूँ तो इसमें भी कर देती हूँ, बट रेगुलर नहीं करती हूँ, बिकॉज ये सर्कुलेंट है तो इसको इतना नहीं चाहिए होता है। तो ये आप देख सकते हो थोड़ा सा गंदा भी हो गया है, इसको मैंने मिस्टिंग करना मैं नहीं किया शायद, इसीलिए इतना थोड़ा सा अगर जो डस्ट होता है ना मिस्टिंग से वो साफ़ भी हो जाता है। अगर इसको आप डायरेक्ट या स्कॉचिंग सनलाइट में रखोगे तो ये इतना अच्छा नहीं ग्रो करेगा, और इसके जो लीव्स है वो फेड भी हो जाता है। और आप देख सकते हो इसमें ये सारे न्यू ग्रोथ आ रहा है, सारे न्यू ग्रोथ है, ये सारे न्यू ग्रोथ आ रहा है, और इतना अच्छा, इतना हेल्दी है ना, तो मतलब बहुत, मैं बिल्कुल अप्रोप्रिएट जगह मिल गया है, एक्चुअली इसको अप्रोप्रिएट लोकेशन मिल गया है ग्रोथ के लिए,
और इतना लंबा ग्रो कर गया, अब गार्डन जैसा हो गया है ये। इसमें अभी बहुत सारे न्यू ग्रोथ आ रहे हैं, बहुत सारे। अगर आपको थोड़ा शेप देना है तो आप इसको ट्रिमिंग भी कर सकते हो। मैंने इसको ट्रिमिंग नहीं किया, मुझे ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे ही हैंगिंग जैसे। और इसके ना वेराइटीज़ काफ़ी होते हैं, जैसे एक ये वाला जो है ना, इसमें ये वाला पर्पल कलर का भी इसका जो स्टेम है वो होता है, बट मेरा ऐसा नहीं है, मेरा ये इस टाइप का ही है। और इसमें बाकी तो इसमें और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बाकी हाँ, वो डायरेक्ट सनलाइट मत देना, ज़्यादा वाटरिंग नहीं करना, जैसे सकुलेंट का नहीं करना चाहिए ऐसे। और ये नेटिव टू अफ्रीका है, तो आपको कुछ हिसाब से सोच के, उस वहाँ के एटमोसफियर सोच के इसके उसको इसको उस टाइप के एटमोसफियर देने के कोशिश करना पड़ेगा। और हर बार मैं एक ही बात बोलूँगी कि आपके जगह, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ के एटमोसफियर, वहाँ के सनलाइट, वहाँ के जो मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, एवरीथिंग, मतलब सब कुछ के ऊपर डिपेंड करेगा आपका ग्रोथ। तो रूट बहुत ही शैलो रूटेड होता है, तो आप कोई भी छोटा कोई भी कंटेनर में आप ग्रो कर सकते हो, कोई कप में, कोई छोटे बॉल में, कुछ किसी में भी आप इसको ग्रो कर सकते हो, इसको ग्रोइंग में। हाँ, और इसके जो प्रॉब्लम है, इसके लीफ शेडिंग हो सकता है अगर ज़्यादा वाटरिंग करो तो, और ये येलो हो जाता है अगर लीफ हो सकता है, और बहुत सनलाइट मिलने से इसके लीफ का जो कलर है वो येलो हो जाता है। जैसे मेरा इसको थोड़ा कम इनडायरेक्ट ही है, दोनों ही इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट में है, आप इसका देख सकते हो लीफ थोड़ा सा डार्क ग्रीन है, और इसका लीफ थोड़ा सा जो है इसको थोड़ा ज़्यादा मिलता है सनलाइट इनडायरेक्ट, तो ये थोड़ा ज़्यादा। ये एक्चुअली मैंने रखा है साउथ वेस्ट फेसिंग बालकनी में, और वो कवर्ड है, मतलब ओपन नहीं है, ओपन में नहीं रखा मैंने। ओपन में रखने से ये प्लांट मुझे नहीं लगता वो, मतलब मैंने कभी ओपन में रखा नहीं, बट ओपन में रखने से इसका ग्रोथ मुझे लगता है कम हो जाएगा, और इसके लीफ भी शेड कर सकता है। और इसके बहुत सारे नेम भी है, जैसे इसको पिलो प्लांट भी बोलते हैं, इसको स्वीडिश आईवी भी बोलते हैं। और ये बिल्कुल ही देखो जैसे स्ट्रिंग में लगता है कि बहुत सारे हार्ट शेप के लीफ लगा हुआ है, तो इतना सुंदर लगता है। बहुत इजी टू ग्रो है, इसको ग्रो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, जस्ट आप इसको प्रॉपर लोकेशन, प्रॉपर स्पेस दे दो, प्रॉपरली लोकेट कर दो, फिर इसको और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, इसको हॉट और इनडायरेक्ट स्ट्रॉन्ग सनलाइट बहुत पसंद है। ओके, बाय।